स्किन केयर हमारी स्किन हेल्थ है और हमारी इन्वेस्टमेंट है। हम कुछ गलतियां करते हैं, आज हम पांच ऐसी मिस्टेक्स को दोहराते हैं। सबसे पहला, ओवर क्लेंजिंग। जब आप बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग करते हैं तो आपकी स्किन इरिटेटेड ड्राई हो सकती है, एंड स्पेशली ऑयली स्किन में हम बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग करते हैं तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल हो जाता है और हमारी स्किन जो है वो इरिटेटेड रहती है। ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी, ट्वाइस अ डे इज़ गुड इनफ। सनस्क्रीन, डोंट स्किप योर सनस्क्रीन, बिकॉज आपको स्किन डिजीजेज हो सकते हैं, स्किन इरिटेट हो सकती है एंड स्किन में डेफिनेटली पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। तो स्किपिंग सनस्क्रीन इज नॉट अ गुड आइडिया। नंबर थ्री, टेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आप लेते हैं उसका पैच टेस्ट जरूर कीजिए। अपने कान के पीछे कर सकते हैं या अपने आर्म पे कर सकते हैं, उससे क्या है आपका ये पता चल जाएगा आपकी स्किन इरिटेट तो नहीं हो रही। डू नॉट यूज द प्रोडक्ट अगर स्किन इरिटेट होती है। नंबर फोर, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, AHAs, BHAs, रेटिनॉल्स, विटामिन सी, जब इन सबको हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, धीरे धीरे अपना एक्टिव्स को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने स्किन को डैमेज मत होने दीजिए और ऐसे जैसे कि रिकमेंडेड है उसी हिसाब से आपने यूज़ करना है। सपोजिंग इट इज विटामिन सी, यू जस्ट कैन कंबाइन विटामिन सी विद एनी अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट लाइक AHA और BHA, योर स्किन कैन रिएक्ट इनिशियली, लेटर ऑन येस इट विल डू गुड टू यू। मॉइस्चराइजर, आई कैनॉट एम्फोसाइज मोर ऑन द यूज़ ऑफ मॉइस्चराइजर। जब आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हाइड्रेटेड हो जाती है। एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी लोग कहते हैं कि उनको मॉइस्चराइजर नहीं करना चाहिए, बट दैट्स अ रॉन्ग मिथ। आपको ज़रूरी है अपना मॉइस्चराइजर यूज़ करना ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे।